अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आप लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप में बहुत ज्यादा फरमाइश की थी कि मैं वीडियो बनाऊँ डिलीवरी के बाद होने वाली कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। वैसे तो सिंपल कॉन्स्टिपेशन के बारे में जो प्रेगनेंसी में होती है उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन ये वीडियो आपकी फरमाइशी वीडियो है तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन किस सूरत हाल को कहते हैं। जब आपकी नॉर्मल रूटीन से हटकर आपको मोशन ना आए या हफ्ते में सिर्फ दो बार मोशन आए और देर लगा कर आए, पेन के साथ आए, तो इसको कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। किसी भी बीमारी को निमटने के लिए जरूरी है कि आपको उसके कॉजेस पता हों। तो पहले हम इसके कॉजेस जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या वजह होती है कि आप अक्सर औरतों को सी सेक्शन के बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो अगर हम रीजंस की बात करें तो सबसे पहले सी सेक्शन ही इसका रीजन है, क्योंकि 3 से 4 दिन तक आप आमतौर पर बेड पे होते हैं, आपको ड्रिप्स वगैरह लगी होती हैं, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे होते और आपको वुंड्स की वजह से चलने फिरने भी नहीं दिया जाता ज्यादा, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज ये होती है कि डिलीवरी के टाइम या लेबर की प्रोसेस में कई औरतों के स्फिंक्टर मसल्स या जो पैल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या उनमें कोई जख्म आ जाता है, जिसकी वजह से औरत को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसकी हीलिंग हो जाए तो फिर आपकी ये कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाता है। इसके बाद डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि अगर आपने ज्यादा पानी या लिक्विड वाली चीजें ना ली हो, जैसे दूध जूस वगैरह, तो फिर आपको ऐसा हो जाता है कि ऑपरेशन के दौरान अक्सर औरतों का ब्लड लॉस होता है या लेबर के टाइम वॉमिटिंग्स आ जाती हैं औरतों को, तो इस तरह से उनके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और अगर उन्होंने पानी मुनासिब ना पिया हो तो फिर उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसलिए आपको ऑपरेशन के फौरन बाद अपना लिक्विड इनटेक ठीक करने की जरूरत होती है। इसके बाद हार्मोनल चेंजेस बहुत काम करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में आपकी सारी प्रेगनेंसी बेसिकली हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये आपकी डिलीवरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं, जिससे आपकी जो बाउल मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है और अक्सर औकात आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो आपने आयरन सप्लीमेंट्स लिए होते हैं उसकी वजह से आपको अक्सर जो स्टूल है वो स्लो पास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये आपको एनीमिक होने की सूरत में दिया जाता है और इसके साइड इफेक्ट्स में ये चीज कंसीडर की जाती है। इसके बाद ऑपरेशन के बाद ज्यादातर औरतें कुछ ज्यादा खा नहीं पाती, यखनी वगैरह पी लेती हैं या बहुत थोड़ा खा पाती हैं, तो इसकी वजह से भी सही से प्रॉपर स्टूल नहीं पास होता और जो होता भी है वो स्लजिश मूवमेंट के साथ होता है। फिर उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको छोटा ऑपरेशन हुआ हो तो आपको टांके लगे होते हैं या हेमोराइड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको डर होता है कि कहीं मेरे स्टिचेस ना खुल जाएं या दुखने ना लग जाएं। इसकी वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपको स्टूल को पास नहीं करने देता। अक्सर औरतों को छोटे ऑपरेशन के बाद ये मसला जरूर हो जाता है, क्योंकि उनको ये डर होता है कि उनके टांके खुल ना जाएं। इसके लिए डॉक्टर उनको सॉफ्टनर्स देते हैं, ऐसे ड्रॉप्स देते हैं कि उनका स्टूल जरा नरम हो जाए और उनको पेन ना हो। इसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं ऑपरेशन के दौरान, और एपिड्यूरल जिनको कमर पे टीका लगता है उसमें भी ऐसी चीजें शामिल होती हैं जिससे आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो स्लो हो जाता है, या आपको नीम बेहोशी वाली या आपको गनूदगी वाली जो दवाइयां दी जाती हैं जिन्हें नार्कोटिक्स कहा जाता है, उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा जो औरतें फुल एनेस्थीजिया लेकर सर्जरी करवाती हैं तो एनेस्थीजिया भी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को स्लजिश कर देता है, स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपको टेम्पररी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। फिर एक वजह यह भी होती है कि कई औरतों का जो पैल्विक एरिया यानी कि जो कूल्हों का हिस्सा है उसके जो मसल्स हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं डिलीवरी के बाद, या डिलीवरी का वजन सह सह कर उनमें इतनी जान नहीं होती कि वो अपनी फटाफट पोजीशन पे आ जाएं और वो फर्म हो जाएं, तो इसकी वजह से भी औरतों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। फिर एक बात ये होती है कि आप नई नई माँ बनी होती हैं तो आपका जो नींद है वो पूरी नहीं होती, बच्चा जब मर्जी उठ के रोने लगता है, आपको आदत नहीं होती सारी रात में उठ उठ के जागने की या बच्चे की ड्यूटी देने की, तो इस तरह की जब आपकी रूटीन सारी उल्टी पुल्टी हो जाती है तो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसके साथ डिस्टर्ब होता है और लैक ऑफ स्लीप की वजह से अक्सर औरतों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके बाद एक स्ट्रेस हो जाता है, कई औरतों को पोस्टपार्टम स्ट्रेस भी होता है, एंजाइटी या
डिप्रेशन वगैरह होता है तो उसकी वजह से जिस्म में एक स्ट्रेस का हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है, इसकी अमाउंट काफी ज्यादा बनना शुरू हो जाती है। जब इसकी अमाउंट ज्यादा होती है जिस्म में तो या तो आपको डायरिया हो जाता है या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो स्ट्रेस एक रीजन होता है आपकी कॉन्स्टिपेशन होने का। इसके बाद ऑपरेशन के बाद लामहाला आप उतना नहीं चलती फिरती जितना आप आम रूटीन में चलती हैं, या कोई घर के काम नहीं कर पाती, तो इसकी वजह से भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर होती है। तो उससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। ये तो थी वो तमाम वजूहात जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। अब हम आपको इसकी ट्रीटमेंट या ऐसे रास्ते बताएंगे जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है। सबसे पहले तो आपको हॉस्पिटल में ही डॉक्टर ऐसे ड्रॉप्स दे देती हैं जिससे स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और फौरी तौर पर आपको मोशन आ जाता है ताकि वो चेक कर सकें कि आपके मोशन ठीक है, तो फिर आपको हॉस्पिटल से फिर डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन उसके बाद आपने ये करना है कि मूवमेंट अपनी बढ़ानी है, यानी कि आपने जितना हो सके चीजों को पकड़ पकड़ कर चलना है, सहारों के बगैर चलना है और रोज डेली रूटीन में अपने मिनट चलने फिरने के बढ़ाने हैं। याद रखिए कि ऑपरेशन आपको चलने फिरने से बिल्कुल नहीं रोकता। अगर आप बिल्कुल जमकर बैठी रहेंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी होगी और आपके टांके हील नहीं होंगे इतनी जल्दी, क्योंकि वो स्किन के अंदर ठीक से मिक्स नहीं होंगे। जो औरतें चलती फिरती हैं उनके टांके जल्दी मिक्स होते हैं और वो जल्दी रिकवर करती हैं। इसके बाद आपने जो लिक्विड्स पीने हैं वो आपने वार्म लेने हैं। गर्म पानी में आप लीमू डालकर ले सकती हैं सुबह के टाइम, हर्बल टीज यूज कर सकती हैं, कैमोमाइल या फेनल टी यूज कर सकती हैं, इससे दूध भी ज्यादा आता है औरतों को और जिसमें जो गैस और ब्लॉटिंग होती है वो भी खत्म हो जाती है। और आपने पानी अगर आप दरमियाना टेम्परेचर वाला पीना चाहती हैं तो पी लें, लेकिन कोशिश कीजिए कि ठंडा पानी आपने बिल्कुल नहीं पीना बल्कि रूम टेम्परेचर वाला पानी या ल्यूक वार्म वाटर आपने पीना है। उसके बाद ईट प्रॉन्स। प्रॉन्स होते हैं सूखे हुए जामुन, तो जामुन अगर आपको मिलते हैं जो कि सूखी हुई फॉर्म में होते हैं तो वो खाने से एक तो आपको जो ब्रेकफास्ट की रूटीन है वो अच्छी हो जाती है और आपका जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो फौरी तौर पर ठीक हो जाता है। इसमें आपने साथ लिक्विड का इंटेक करना है, कोशिश करें इसका जूस बना के पी लें या इसका शेक बना के पी लें या जिस तरह से भी आपको ये सूट करता है आपने इसको लेना है अपनी फूड में। इसके बाद आपने ऐसी फूड्स खानी है जिसके अंदर फाइबर्स होता है। फाइबर्स ज्यादातर सब्जियों में और फलों में होता है, आपने इनको अपनी फूड में इस्तेमाल करना है। गोश्त में आपने कोई ऐसी सब्जी ऐड कर लेनी है जिसके अंदर फाइबर होता है। फिर आपने ये करना है कि होल ग्रेन वाले सीरियल्स यूज करने हैं। अगर आप ब्रेड खाती हैं तो आपने ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करना है ताकि आपके जिस्म में फाइबर्स जाएं और आपका जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो हल हो जाए। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप रेस्टलेस होने की वजह से या आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से आपको अक्सर कॉन्स्टिपेशन होती है, तो आपने काफी रेस्ट करना है, अपनी बॉडी को रिकवर होने देना है, सर्जरी को सर्जरी समझना है। और मैं अपनी अक्सर वीडियोस में बताती हूँ आपको कि ये टांके सिर्फ बाहर नहीं होते, ये 3 से 4 लेयर्स के अंदर होते हैं, तो अंदरूनी टांकों को हील होने में टाइम लगता है, इसलिए आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें, जितना रेस्ट देंगी उतनी जल्दी रिकवरी होती है। उसके बाद जिनको आयरन के सप्लीमेंट से मसला हो रहा हो उनको चाहिए कि आयरन वाली फूड्स खानी शुरू कर दें, जैसे कि चिकन, रेड मीट, डार्क लीफ वाली वेजिटेबल्स, बीन्स, या फिर डॉक्टर से सप्लीमेंट चेंज करवा लें जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला ना हो। इसके बाद एंजाइटी के लिए आप लोग को रिलैक्स होने की जरूरत है, आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है और अपने आप को रिलैक्स करना है। उसके बाद अगर आपको स्टूल नहीं पास होता तो आपने कमोड का इस्तेमाल नहीं करना, आपने WC की या सिक्वेटिंग पोजिशन पे बैठना है और कोशिश करनी है कि वजन पड़े और आपको स्टूल पास होने में आसान हो। इसके बाद आपने जो रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस होती हैं या टेक्निक्स होती हैं वो इस्तेमाल करनी है, या वार्म बाथ होता है। खासतौर पे छोटे ऑपरेशन में आपको कहा जाता है कि किसी टब में या ऐसे किसी बर्तन में गर्म पानी डालकर उसमें आप बैठिए, तो आपके टांके जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं और आपका ये जो जिसमें स्ट्रेस होता है, स्वेलिंग होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये दूर हो जाती हैं। इसके बाद आपने कुछ नेचुरल लेक्सेटिव्स लेने हैं। लेक्सेटिव कबसकुशा नेचुरल चीजें होती हैं जो कि आप अपनी फूड में इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल, सेनाटी, एलोवेरा, मैग्नीशियम सिट्रेट के सप्लीमेंट्स या एप्सम सॉल्ट, आप इनको अपनी फूड में ऐड कर सकती हैं। और आखिर में एक नुस्खा ये होता है कि आप सोने से पहले गर्म दूध के साथ 2 चम्मच इसबगोल खा लीजिए, इससे भी आपको कब्ज का जो मसला है बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आपसे इसबगोल नहीं भी खाया जाता तो गर्म दूध सिप सिप लेकर पीकर आपने रोज सोना है, ताकि एक तो उससे आपका ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपका ये कब्ज का मसला हल हो जाएगा। उम्मीद है कि मैंने आपको पॉसिबल कॉजेज और सॉल्यूशंस बता दिए हैं। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो अपनी कमेंट्स जरूर दीजिएगा, ग्रुप में भी जरूर बताइएगा और कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।